हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वीर्य को बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। प्रयोग को बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही से सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कभी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी वीर्य के पतलेपन से या फिर कम मात्रा के होने की समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे इस आयुर्वेदिक उपाय को अपनाकर इस समस्या से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही पौष्टिक है और शरीर में बल वृद्धि व वीर्य को बढ़ाने वाला है। इसके प्रयोग करने से दोस्तों सभी प्रकार के धातु विकार दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा अपनाया हुआ सफल आयुर्वेदिक प्रयोग है, आपको इससे 100% लाभ होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए रस सिंदूर 10 ग्राम, लौ भस्म 10 ग्राम, भंग भस्म 10 ग्राम और शिलाजीत 10 ग्राम। तो दोस्तों, इन सभी औषधियों को आप पंसारी के पास आसानी से ले सकते हो, कहीं से भी आप इसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों, इन सभी औषधियों को लेकर आप कूट कर पीस कर इसका बारीक चूर्ण बना लें और फिर इसकी आप छोटी छोटी 50 से 60 पुड़ियाँ बना लें। दोस्तों, इसके बाद एक एक पुड़िया को आप सुबह शाम मलाई के साथ मिलाकर आप रोगी को चटाएं। तो दोस्तों, इसके सेवन करने से धीरे धीरे सभी तरह के धातु रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रभावशाली है और हर तरह के रोग को मिटाने का इसमें गुण है, आपके शरीर को शक्ति प्रदान होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।